नाउ डियर स्टूडेंट इट इज योर पार्ट पार्ट फाइव एंड यू हैव टू लर्न फाइंड द स्क्वायर ऑफ टू डिजिट नंबर। किसी टू डिजिट नंबर के स्क्वायर कैसे लाएंगे। हमने प्रीवियस पार्ट में स्क्वायर रूट्स को फाइंड आउट करना सीखा था बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ट्रिक एंड डिवीजन मेथड, तीनों को हमने देखा। बट अब स्क्वायर कैसे लाना है किसी नंबर के, और ये टू डिजिट नंबर के लिए है। मीन्स आपको 11 to 99 नंबर्स के डिजिट को कैसे लाने हैं, स्क्वायर इसके कैसे फाइंड आउट कर सकेंगे, और डायरेक्ट इसको देख करके आप तुरंत विदाउट लॉन्ग मल्टीप्लीकेशन मेथड, लॉन्ग मल्टीप्लाई करके जो आप लाएंगे स्क्वायर, शॉर्ट मेथड में कैसे लाना है, जस्ट इसको कैसे सीख जाएंगे। सपोज कोई नंबर लेते हैं, हमने लिया 35। यहां पर हम साइन देख रहे हैं, ये साइन को ही फॉलो करना है और इसी साइन के अकॉर्डिंग नंबर के स्क्वायर को लाना है। तो इसमें जो मिडिल टर्म में साइन गिवन है, दैट इज द साइन ऑफ क्रॉस। फर्स्टली जो साइन गिवन है ये है यहां पर इस तरह से, 35 के स्क्वायर लाने हैं तो डबल 35 हमने लिख दिया, साइन ये है इस तरह से, और इस साइन का मतलब हुआ इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो हम करेंगे तो 5 जा क्या होगा 25 का 5 और 2 रह जाएगा। नेक्स्ट हैंड में 2 आ गया, नेक्स्ट करेंगे क्रॉस, क्रॉस मीन्स इस नंबर को इससे और इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो 5 3 15 एंड 5 3 15 तो 15 प्लस 15 32 का 2 और हाथ में आ गया अगेन 3। अगेन फिर देख रहे हैं साइन है इस टर्म को मल्टीप्लाई का, 3 3 9 9 3 12 that is 1225 आया, means 1225 is the square of 35। तो चेक कर लेते हैं क्या ये सही है या नहीं है। तो मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज द 1175। तो हम यहां से देख गए, यहां से आप बिल्कुल ही आ गया, ये था फर्स्ट मेथड ऑफ स्क्वायरिंग। अगेन हम समझ लेंगे कि फर्स्ट यूनिट टर्म को यूनिट डिजिट प्लेस नंबर को मल्टीप्लाई करने हैं, फिर अगेन क्रॉस मल्टीपल करके ऐड करना है, और लास्टली इस लास्ट नंबर के न्यू प्लेस नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो इसमें अगेन दूसरा अगेन करते हैं, कुछ और अदर एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई नंबर ले लिया हमने, यहां से हमने लिया 78 लेते हैं, और 68 लेते हैं। तो जस्ट ये प्रोसेस करना है, दिस मल्टीप्लाई दिस, 8 8 64 64 का 4, हैंड में 6 आ गया। नेक्स्ट 46 8 48 6 8 48 40 and 8 and 48 add करेंगे 96 होता है। तो 96 plus 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 102 का 2 हैंड में आया 10। नेक्स्ट 6 6 36 36 10 क्या होगा 46 ये आ गया 46 24। तो यहां से हमने इसका स्क्वायर ले आया, अब इसको चेक कर लेते हैं क्या ये सही है या गलत है। तो इसको चेक कर लेते हैं, 6 8 8 64 6 आ गया, 48 6 54 8 6 48 4 4 40 4 12 2 6 4 4 6 2 4 राइट आंसर है। इस तरह से हमने फर्स्ट मेथड देखा इसको फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। नेक्स्ट सेकेंड इसके रूल्स भी हम करेंगे, सेकेंड मेथड किस तरह का है, एक हम सेकेंड ट्रिक को देखते हैं। नेक्स्ट नाउ सेकेंड मेथड टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी टू डिजिट नंबर, इसके टू डिजिट नंबर के स्क्वायर को लाने हैं, तो इसमें सेकेंड मेथड हम करने जा रहे हैं। तो सेकेंड मेथड में कोई नंबर गिवन है, सपोज हमने लिया 35 कोई, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया भी, 35 के स्क्वायर लाने हैं। अब इसके स्क्वायर लाने के लिए हम इसमें जो फर्स्ट स्टेप है, स्टेप बाय इसके ट्रिक को लिखते हैं, और जब हम इसको
अपने से करेंगे तो अपने दिमाग माइंड में करेंगे कैसे करना है और वो सॉल्व भी हो जाएगा। तो हम देखेंगे 35 होल स्क्वायर करना है तो फर्स्ट मेथड फर्स्ट स्टेप, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में फर्स्टली लाना है 5 का स्क्वायर करेंगे। बोलिए यूनिट प्लेस नंबर का क्या करना है, स्क्वायर ऑफ यूनिट प्लेस नंबर। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्क्वायर ऑफ यूनिट प्लेस नंबर, प्लेस नंबर हम लिख रहे हैं थोड़ा सा समझने के लिए। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर दैट इज 25। अब 25 आया तो 25 में 5 का 25 का 5 हैंड में आया 2, तो यहां से 2 बाकी आ रहा है। स्टेप 2 करते हैं, स्टेप 2 में क्या करेंगे, अगेन देखिए दोनों टर्म को यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस नंबर के मल्टीपल मीन्स 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई पावर, मल्टीप्लाई पावर को करना है, पावर मीन्स हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, 3 5 जा 20 22 22 जा 3 5 जा 15 15 2 जा 30 एंड 30 में ये जो पहले जो 2 हैंड में आया उसको भी ऐड करेंगे 30 प्लस 2 32 और बाद हाथ में आया 3। नेक्स्ट क्या करेंगे, जो टेंस प्लेस नंबर है स्टेप 3 में आते हैं, स्टेप 3 में जो टेंस प्लेस नंबर है टेंस प्लेस नंबर का स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ टेंस प्लेस नंबर, टेंस प्लेस नंबर हो जाएगा इसमें 3 जा 3 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे 9 एंड अब जो बाकी नंबर है 9 प्लस 3 ये क्या होगा 12 125। और प्रीवियस हमने देखा था 1225 आता भी है। नेक्स्ट हम इस तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं, जैसे कोई भी नंबर दिया हुआ हो 46, अब 46 का स्क्वायर करना है तो जो स्टेप वाइज हमने किया जस्ट वही करना है फॉलो। फर्स्ट क्या करना है बोलिए, 6 का स्क्वायर खुद से करना है, देखते किस तरह से हम इसको बिना लॉन्ग मेथड मल्टीप्लाई किए कैसे ले आते हैं। 6 स्क्वायर मीन्स 36 का 6 बाकी रहा 3। नेक्स्ट 6 4 जा 24 24 2 जा 48 48 प्लस 3 क्या हो जाएगा 51 का 1 फिर हैंड में आया 5 फिर 6 4 4 जा 16 5 जा 16 में 5 ऐड करेंगे क्या होगा 21 16 इसके आंसर हो गए 46 के होल स्क्वायर का। चेक कर लेते हैं क्या ये सही है कि नहीं है, तो हम चेक करते हैं 6 6 जा 3 24 3 27 6 4 जा 40 24 2 18 6 11 11 1 2 2 1 16 तो राइट आंसर है 46 का स्क्वायर ये आ गया 216। नेक्स्ट इसी तरह से देखते हैं 83 का लेते हैं 83 होल स्क्वायर तो 3 3 जा क्या होगा 9 इसमें बाकी हैंड में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं 8 3 जा 24 2 जा 48 का 8 हैंड में आया 4 8 8 जा 64 फिर 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 जा 64 64 4 68 दैट इज योर आंसर। इस तरह से हमने कोई भी 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर को फाइंड आउट करना सीख लिया है। तो इसको आप बार बार अगेन करेंगे और घर में सीखेंगे किस तरह से हमने किया है, हमने सख्त दो दो मेथड को यहां पर किया। तो नेक्स्ट देखते हैं।